उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर विधानसभा चुनाव, उसकी आज मतगणना हो रही है या हो चुकी है और करीब करीब सारे रुझान आ गए हैं, कई रिजल्ट भी आ गए हैं। पंजाब चुनाव में इतिहास रचा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है। अकेले पंजाब में ही नहीं, आपने गोवा में भी मौजूदगी दर्ज कराई है। कांग्रेस इन सभी राज्यों में ढंग से मौजूदगी भी दर्ज नहीं करा पाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी में निराशजनक प्रदर्शन पर कहा कि उनकी पार्टी इससे सबक सीखेगी और देश की जनता के हित में काम करती रहेगी। उधर रुझानों के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। यूपी में बीजेपी की जीत के रुझान जो हैं और जो रिजल्ट आए, उसके साथ ही गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में समर्थकों का जश्न मनाने पहुंच गए। लखनऊ कार्यालय पर बीजेपी समर्थक जश्न मना रहे हैं। गोवा और मणिपुर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। गोवा बीजेपी ने कहा है कि उसके पास 3 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन है, जिससे कि उसे बहुमत मिल रहा है और सरकार बना रही है। पंजाब में आपके कूपेज के भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एक फोटो शेयर की, जिसमें वो जीत की मुद्रा में नजर आए। पोस्ट में पार्टी ने कहा कि बढ़ते अंकुर छाती के खुले पत्थरों को चीर देते हैं। इस क्रांति के लिए पंजाब के लोगों को बधाई। #आपस्वीपपंजाब। अब तक के जो चुनाव रुझान और रिजल्ट जो सामने आ गए हैं, उस बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि यूपी में बीजेपी 269, सपा 129, बसपा 1, कांग्रेस 2 और बाकी 2। पंजाब के अंदर आप 92, कांग्रेस 18, अकाली दल प्लस 4, बीजेपी प्लस 2 और 1 अन्य। उत्तराखंड में बीजेपी 48, कांग्रेस 18, बसपा 2, आप 1 भी नहीं और 2 अन्य। गोवा के अंदर बीजेपी 20, कांग्रेस प्लस 12, टीएमसी प्लस 2, आप प्लस 3 और अन्य 3। मणिपुर के अंदर अब बात करें तो बीजेपी 30 पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 6, एनपीपी 7, जेडीयू 7 और अन्य 10। हम इस जनादेश से सबक लेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पार्टी का निराशजनक प्रदर्शन के बाद कहा है कि उनकी पार्टी इस जनादेश से सबक लेगी और देश के लोगों के हित में काम करती रहेगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, जो लोग जीते उन्हें शुभकामनाएं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और स्वयं सेवियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को इंकसाफ बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े जनादेश के साथ में लोगों ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह इनकलाब दिल्ली में हुआ, फिर पंजाब में और पूरे देश में होगा। केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक नया भारत बनाएंगे जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। अरविंदर ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।